अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सूरह कौसर की फजीलतें। सूरह कौसर कुरान की 108वीं सूरा है। यह कुरान के 30वें पारे में मौजूद है। यह कुरान की सबसे छोटी सूरा है। कुछ लोग इसे मक्की सूरा कहते हैं और कुछ लोग इसे मदनी सूरा कहते हैं। यह सूरा है बहुत छोटी, लेकिन इसके पढ़ने के बेशुमार फ़ायदे हैं। सूरह कौसर कब नाजिल हुई थी? यह सूरह तब नाजिल हुआ था जब हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत बुरे दौर से गुजर रहे थे। उस वक्त मुसलमानों पर बहुत जुल्म हो रहे थे और मुसलमानों की तादाद भी बहुत कम हो गई थी। इसके अलावा जब हमारे प्यारे नबी की दोनों औलादों की मौत हो गई थी, तब किसी दुश्मन ने प्यारे नबी को कहा था, अब तुम्हारे कोई औलाद नहीं बचेंगी। दुश्मनों ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा था कि इस्लाम को आगे बढ़ाने के लिए तुम्हारी नस्लें ख़त्म हो चुकी है, अब तुम्हारा कोई वंश नहीं बचा है, क्योंकि प्यारे नबी के दोनों बेटों की मौत हो चुकी थी। उस वक्त हमारे प्यारे नबी की 2 से 3 बेटियां भी थीं, लेकिन उस वक्त बेटों को ही वंश चलाने वाला माना जाता था। दुश्मनों ने आपका बहुत मजाक बनाया। ऐसे बुरे और मुश्किल वक्त में अल्लाह ने सूरह कौसर को नाजिल किया। सूरह कौसर में किन बातों का जिक्र है? सबसे पहले जो सबसे ज़रूरी बात इसमें बताई गई है कि जब किसी को अपनी ज़िंदगी से खो देते हैं, तब अल्लाह उसे किसी और चीज़ में बदल देता है। उसके अलावा सूरह कौसर में 3 बहुत ही ज़रूरी आयतें शामिल हैं, जिनमें 3 बातें बताई गई है जो इस प्रकार है। पहली आयत में ये बताया गया है कि जन्नत में कौसर नाम की एक नदी है जो जन्नती लोगों के लिए बनाई गई है, जिसके किनारे सोने के होंगे, और ये नदी मोती के ऊपर बहेंगी, जिसका पानी दूध से भी ज़्यादा सफ़ेद होगा और शहद से भी ज़्यादा मीठा होगा। ये नदी का पानी सभी जन्नती लोगों के लिए होगा जो हर रोज़ इसका पानी पी सकेंगे। दूसरी आयत में ये बताया गया है कि हमें हमेशा अल्लाह से दुआ करना चाहिए और उसी के लिए हमें अपनी सारी चीज़ें कुर्बान कर देना चाहिए, चाहे वो वक्त हो या दौलत, सब कुछ अल्लाह के लिए ही करना चाहिए। इससे ये मतलब है कि जब आपकी हर चीज़ अल्लाह पर कुर्बान करते हो, तब अल्लाह आपको और ज़्यादा देता है। इस आयत में अल्लाह ने प्यारे नबी को ऊँट की कुर्बानी करने का भी हुक्म दिया था। उस वक्त ऊँट की कुर्बानी अपनी दौलत कुर्बान करने जैसा था। तीसरी आयत में यह बताया गया है कि प्यारे नबी के सारे दुश्मनों को काट दिया गया है। कहने का मतलब अल्लाह इस सूरा में बताता है कि प्यारे नबी के सारे दुश्मन काट दिए गए। सूरह कौसर पढ़ने के क्या फ़ायदे हैं? जिन लोगों की कमाई कम है या उनके पास कमाई के ज़्यादा साधन नहीं है, उनको सूरह कौसर पाबंदी से पढ़ना चाहिए। इंशाल्लाह इसकी बरकत से कमाई के रास्ते खुल जाएंगे। जिनकी औलादें जन्म के बाद ही मर जाती है या ज़्यादा वक्त जिंदा नहीं रहती, उन्हें सूरह कौसर पढ़ना चाहिए, जिसकी फजीलत से अल्लाह उन्हें लंबी ज़िंदगी अता फरमाएगा। जो शख्स पाबंदी से इस सूरह को पढ़ेगा, उसे क़ियामत के दिन जन्नत की कौसर नहर का पानी पीने मिलेगा। अपने दुश्मनों से हर वक्त हिफाजत के लिए सूरह कौसर पढ़ना चाहिए, जिससे दुश्मनों से हर वक्त हिफाजत रहेंगी और आप महफूज रहेंगे। सूरह कौसर की बरकत से आप हर तरह की बीमारी से महफूज रहेंगे। अगर पहले से कोई बीमारी होगी, वो भी सूरह की बरकत से ख़त्म हो जाएंगी। सूरह कौसर पाबंदी से पढ़ने वाले शख्स की हर मुराद पूरी होती है, इसलिए हर मुराद को पूरी करने के लिए सूरह कौसर पढ़े। अगर किसी की शादी में रुकावट आ रही है या रिश्ते होते होते टूट हो रहे हो, तो चाहिए कि सूरह कौसर ईशा की नमाज के बाद पाबंदी से पढ़े, जिससे रिश्तों में आ रही रुकावट से छुटकारा मिलेगा। अगर किसी की याददाश्त कमज़ोर है, यानी उसे कुछ याद नहीं रहता, तो उसे इस सूरह का ज़रूर पढ़ना चाहिए, जिससे उसकी दिमागी हालत में सुधार होगा और याददाश्त मजबूत होंगी। सूरह कौसर गरीबी कम करने और अपने माल की हिफाजत के लिए पढ़ते रहना चाहिए। अगर किसी का व्यापार या बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है और वो चाहता है कि ये व्यापार ऐसा ही चलता रहे, तो उसे पाबंदी से सूरह कौसर हर दिन पढ़ना चाहिए, जिसकी फजीलत से बिजनेस में बहुत मुनाफा होगा। इसके अलावा इस सूरह को पढ़ने के बेशुमार फ़ायदे हैं। हमें चाहिए कि हम कुरान की हर सूरह को पाबंदी से पढ़ें और उसमें बताए गए रास्तों पर अमल करने की कोशिश करें, ताकि हम अल्लाह के अजाब से बच सकें और एक बेहतर ज़िंदगी गुजार सकें। सूरह कौसर कब पढ़ना चाहिए?
बहुत से लोग सोचते हैं कि इस सूरा को पढ़ने का सबसे अच्छा वक्त कौन सा है। बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि इस सूरा को इतनी मर्तबा पढ़ने से ऐसा होगा, यानी 33 मर्तबा पढ़ोगे तो ऐसा होगा, कोई 21 मर्तबा पढ़ेगा तो वैसा होगा। ऐसा करने या कहने से फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क ये पड़ता है कि आप सूरह कौसर को कितनी मोहब्बत से पढ़ रहे हैं, कितना दिल लगाकर पढ़ रहे हैं, कितना खुशी से पढ़ रहे हैं। अगर आप सिर्फ किसी के कहने पर सूरह कौसर को 21 या 33 मर्तबा पढ़कर इस काम से निपटने का सोचते हैं तो वो गलत है। आप सूरह कौसर को जितना दिल से पढ़ेंगे और अल्लाह से दुआ मांगोगे तो अल्लाह आपकी दुआ ज़रूर सुनेगा। फिर भी हम आपको बता देते हैं कि इस सूरत को पढ़ने का सबसे बेहतर वक्त कौन सा है। सूरह कौसर को आप कोशिश करें कि फजर की नमाज के बाद पाबंदी से जितना मर्तबा आप पढ़ना चाहे पढ़े, क्योंकि इस वक्त पर आपका दिल और दिमाग बहुत शांत रहता है और आपका ध्यान सिर्फ अल्लाह की इबादत की तरफ ही रहता है। बाकी आप ईशा की नमाज के बाद भी इसे पढ़ सकते हैं, क्योंकि ईशा के वक्त भी आप हर काम से फ्री हो जाते हैं और सोने से पहले अल्लाह की इबादत करके सोते हैं। फिर भी आपको जब वक्त मिले आप ये सूरह का जिक्र करते रहे ताकि आपको इस सूरह पढ़ने से फ़ायदे मिलते रहे। सूरह कौसर का वजीफ़ा क्या है? सूरह कौसर का इस्तेमाल आप वजीफे के तौर पर भी कर सकते हैं। बहुत से लोग अलग अलग परेशानियों का वजीफ़ा इंटरनेट पर देखते हैं। सूरह कौसर में वो ताकत है जो आपको हर परेशानी से निकाल सकती है। सूरह कौसर का वजीफ़ा करके आप अलग अलग मुसीबतों या परेशानियों से निकल सकते हैं। हमने देखा है कि इंटरनेट पर सूरह कौसर के को लेकर अलग अलग वजीफे बताए गए हैं। बेहतर यह है आप इन अपने हिसाब से दिल से इस सूरह को पढ़े, जिससे आपकी हर परेशानी से निकल सके। बाकी अल्लाह से दुआ मांगते रहे, इंशाअल्लाह आपकी हर दुआ कबूल होंगी। अल्लाह हम सबको कुरान की तिलावत करने दिन पर चलने और 5 वक्त की नमाजी बनने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जज़ाकअल्लाहु खैर।